स्टार्ट होगा। लोग प्लस में नंबर से 11 लंबा स्कोर और थारीगढ़ की टीम ने गोल यहां पर
बताइए कब को जीतने की उम्मीद के साथ चमचम की ट्रॉफी को देख रहे हैं मुख्य मंच में, वो एक टीम को दिया जाएगा जो टीम ये टूर्नामेंट 2023 में चैंपियन बनेगी। और आज वो इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज करने के यहाँ पर टीम है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो टीम ऑफ ब्रदर ऑफ चंडीगढ़ के पास अभी सुंदर नेत्र के साथ वही तेज दौड़ खिलाड़ी कृष्णा जो कि टीम के कैप्टन है उनके पास के पुलिस करते हुए कृष्णा के पास गए 10-12 सेकंड को होल्ड किया कृष्णा सुंदर सर के सभी भी चारिकल के पास गए 2 खिलाड़ी को रोकने के लिए तीसरा खिलाड़ी यहां पर आते हुए आगे बढ़ चुका है और इसके साथ 2 खिलाड़ी को फेंकने के बाद आगे निकले हुए थे लेकिन प्ले ऑफ का सहारा यहां पर सेंटर बैक प्ले ऑफ इसके साथ यहाँ पर एक विचलित हुई थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर शायद मेडिकल टीम की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ जाए ये देखने में बात होगा। टीम के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है, गोलकीपर साथ को इतनी कुछ इंजरी भी नहीं है, मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सपोर्टर को आपकी कुछ आएगी और जिससे वो कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन टीमें जिस प्रकार से लोकल टीम इतने बड़े टूर्नामेंट में उतना आसान होता नहीं है कि इस मुकाम तक पहुंचना, लेकिन वक्त के साथ रनिंग करते हुए कहते हैं ना फुटबॉल में उतना आसान नहीं होता है कि आप अपने ये समय जब तक आखिरी सीजन जब तक बचेगा नहीं तब तक आप नहीं कह सकते कि ये मैच टीमें प्रोग्राम से चालीगढ़ के खामी में जा चुका है। लेकिन चालीगढ़ चाहेगा और पोतियों को करने के लिए लेकिन आप फाउल और महतो के पास जाते हुए छोटा महतो समझते हैं कि एक गोल इतनी बड़ी गोल नहीं होता है, एक गोल कभी गोल नहीं माना गया है। और यहाँ पर सूरज सोए के पास गेंद जाएगा, सूरज सोए जिनको इस सीजन लेकर गुजरात जैसे एरिया में एक कोच की अहम भूमिका निभाई है जैसे बस्ते में ये धुना थोड़ी सी मन के ऊपर दबाव है निश्चित रूप से साफ तौर पर फैलता हुआ और टीम इसे उम्मीद के साथ आगे बढ़ते समय है उनके पास। लेकिन दोनों पर राघू आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सुंदर तरीके से इनको होल्ड किया बिग पास करने की कोशिश करते हुए गेंद पुनः यहाँ पर फंसता हुआ। लेकिन ये सारी मैच इनका देखा गया है उनका 5वां मैच है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक की बात की जाए एक से ओवर होल्ड का जहाँ पर बोल पोजिशन काफी समय तक रखा था लेकिन फाइनल में जो थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ टीम बोल पोजिशन को बढ़ा नहीं पाया अभी तक। आगे बढ़ती यहाँ पर सूरज की सुंदर आउट ऑफ पास मौका बनेगा एक ही खिलाड़ी है कृष्णा के पास चलता है और कृष्णा की शूट लेकिन बाहर यहाँ पे जाता हुआ दर्शक को यहाँ पर सर यानी हाथ को सर में रखने के लिए मजबूर कर दिया था कृष्णा इतनी लचपन मोमेंटम को तैयार किया लेकिन गोल पोस्ट को यहाँ पर भाप नहीं पाए थे समझ नहीं पाए थे लक्ष्य पे किक नहीं कर पाए थे और गेंद चला गया था गोल लाइन के बाहर। मैच फर्स्ट हाफ की प्रगति में ये मैच लेकिन सेकेंड हाफ में क्या टीम कमबैक करेगी या फर्स्ट हाफ की आखिरी सीट तक में टीम यहाँ पर कमबैक करना चाहेगा लेकिन सचिन नायक के पास किया जाएगा जैसे बनो रफ्तार के बाद वो कपड़ा गेंद को होल्ड किया होल्ड करने के बाद बिग पास किया सचिन के पास गया दिलीप को मिला लेकिन दिलीप ने महेश को थमा बैठा किया जाए और यहाँ पे काउंटर लेने की तारी में कृष्णा की रफ्तार लेकिन गोलकी का इंडिकेट इस दरमियान और ये गोलकी को लेंगे डिफेंडर या गोलकीपर गोलकीपर यहाँ पर शोर गोलकी के साथ सत्य घूमते हुए सुंदर नियंत्रण के साथ यहाँ पर अभी भी राजा लव्यू साल हिट करते हुए गेंद को लेकिन सत्य घूमते लेकिन अगला मैच के साथ जाना चाहूंगा प्रियंका के पास क्या करना चाहेंगे प्रियंका ये मैच में क्या कमी कर देंगे ये टीमें घूमते हुए सज्जनों सभी को स्वागत रहेगा। ये टूर्नामेंट का अंतिम मैच से पहले चलता हुआ ये बहुत ही अच्छी बड़े संघर्ष हो इतने बड़े टूर्नामेंट 32 टीम के बीच में लगातार 4 दिन का ये घमासान महायुद्ध 8 ग्रुप के बीच में और 8 प्राइज के हकदार के लिए 32 टीम के बीच में ये महासंघर्ष अभी तक अगर देखा जाए तो दोनों टीम के बीच में जितना मेहनत हुआ था उसका रंग
इस मुकाबले में ही सब पूरी तरह से नजर आएगा। अगर जो टीम चैंपियन बनेगा इस साल उसी टीम ही इस टूर्नामेंट का चैंपियन था। अच्छा बनने के लिए अपनी टीम को लेके इतिहास के कगार पे नहीं इतिहास के पन्ने पे लेके पहुंचेगा। चलिए इसी के साथ शॉट के साथ शुरुआत करते हुए टीम ब्रदर इलेवन चारीगढ़ जिस तरीके से सहयोग करते हुए बार बार आक्रमण बना रहा है अपनी टीम एक सफर हरियागढ़ जो अभी तक अभिजीत था अब वो आके पहुंचा है दोनों टीम को इस मैच में कुछ कर दिखाने का। ये बात पूछना चाहूंगा टिकाए तो कि ये मैच में स्कोर कुछ हुआ है कि नहीं उसके बारे में जानकारी देंगे। और निश्चित रूप से प्रेम था ये फाइनल मैच में एक गोल से आगे निकल चुका है टीम है ब्रदर एफसी चारीगढ़ की टीम एक गोल से आगे है और एक गोल से पिछड़ा हुआ फर्स्ट हाफ के मैच में टीम एक से मुकाबला बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक के बड़े टक्कर और एक ललकार हो चुका है टीम ब्रदर इलेवन चारीगढ़ अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ जिस तरीके से अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध होने से पहले अभिमन्यु का मत के हिसाब से एक बड़ा सा टंकर गया था और जिस टंकर के वजह से अभिमन्यु को जो बल किया गया था उसके पिता के हिसाब से अर्जुन ने पूरी तरह से अपना लय और पूरी तरह से अपना धैर्य को एक साथ करते हुए चुनाते हुए सभी गौरवों को पूरी तरह से निधन करने के लिए पढ़ लिए थे। उसी तरीके से यहाँ पे एक गोल डालने के बाद जिस तरीके से अभिमन्यु को मत किया गया था उसी तरीके से एक गोल डालने के बाद उसी सिलसिला शुरुआत तैयारी करते हुए नजर आ रहा है टीमी प्रतिद्वंदी टीम को यहां पर आक्रमण बनाने का तैयारी और हल्का सा प्रयास जर्सी नंबर से 11 लंबा शॉट मौका बना है गोल के लिए। अपने आप को समझो मैं तुमसे कम नहीं। चलिए इसी के साथ यहां पर मुकाबला में रंगने आएगा दोनों टीम के बीच में अभी तक बराबर का स्थिति जो चल रहा था एक से एक के शून्य का स्थिति जो चल रहा था उसको बराबरी में पहुंचा चुका है टीम एक स्लॉवर एफसी हरियागढ़ लंबा शॉट की तरफ से लेकिन सामने फिर से आक्रमण बनाने का तैयारी एक स्लॉवर हरियागढ़ का लंबा शॉट और इस सिलसिले गोलकीपर के दस्तानों में कभी उत्तर से दक्षिण की ओर कभी दक्षिण से उत्तर की ओर मेहमानों का सामने ये टूर्नामेंट में स्वागत करते हुए कितना खचाखच जनसैलाब के अंदर चलता हुआ ये फाइनल मुकाबला का सुंदर झलक के खेल के सहारे सभी दर्शकों ने अपने हृदय के स्पंदन के साथ यहाँ पर पूरी तरह से भागते हुए चले। इसी के साथ आक्रमण बना रहा है दूसरे मंच को छोड़ के नजदीक से टीवी एक्स लवर हरियागढ़ होगा ये मुकाबला में किस तरह किस हद तक पहुंच पाता है छोटे से पास के जरिए माइनस किया थोड़ा सा पीछे जाकर शिकार करता है जैसे शेर जैसे पीछे जाते हुए एक कदम पीछे जाकर आगे जाकर शिकार करता है उसी तरीके से एक तरफ को थोड़ा सा पीछे आया था टीम एक्स लवर हरियागढ़ फिर से साथ लग चुका है डिफेंडर ने बहुत अच्छी बचाव टीवी ब्रदर इलेवन हरियागढ़ चारीगढ़ की तरफ से तारीफ करना होगा दोनों टीम के खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ियों को भापने में यह पहला मौका इससे पहले कभी भी फेंक नहीं हुआ था यह मुकाबले में दोनों टीम को जिस तरीके से यह शुरुआत हुआ था उस तरीके से यह शुरुआत का अंत करने के लिए मंच के सामने हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के महान अतिथियों का बड़े से तादाद तारीफ करना चाहूंगा जिनका आपके साथ अगर किस बात को करने से पहले घर एक ऐसा होता है कि बड़ों के सहारे बड़ों के आशीर्वाद के साथ से जुड़ा होना चाहिए जब बड़ों में हाथ छोड़ देते हैं तब घर टूटना और बिखरना शुरू हो जाता है। इसी के साथ उस बिखरता हुआ पारी को सुधारने के लिए घर को यहाँ पर तैयार करने के लिए प्रयास लेकिन उठा हुआ परिस्थिति छोटा सा गलती को देखते हुए हुसैन का आवाज सुब्रत कुमार पुरोहित के द्वारा और फ्री किक लेगा टीमी ब्रदर इलेवन चारीगढ़ एफसी जश्न बच्चे है अपने आप को बनाते हुए शॉट लेने का तैयारी उच्च मौका दो दो बार दूर से शिकायत करने के बावजूद सफलता एक मिला और दूसरा थोड़ा सा बाहर गया था लेकिन यह मौका बना है टीमी चारीगढ़ के लिए
दिस सिचुएशन बोथ टीमें वांट देयर विन इन दिस टूर्नामेंट एंड इन दिस प्रोग्राम। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी चाहते हैं अपना टीम जीत हासिल करे। ये टूर्नामेंट का परिकड़ी और परिसंघर्ष को आप प्रयोग खींचते हुए अपने फ्रेंचाइज ओनर को लखपति बनाने का मौका बनेगा यहाँ पर जो टीम जीत हासिल करेगा। इसी के साथ हल्का सा प्रयास करते हुए एक बहुत अच्छी कड़ी और लंबा शॉट के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हुए तारीफ करना होगा। जिस तरीके से जर्सी नंबर 7 चारीगढ़ नंबर 11 की तरफ से शॉट लिए थे, जिस तरीके से शॉट लिया था लगा कि जैसे कि गोल होना ही हो रहा है, लेकिन तारीफ करना होगा गोलकीपर को जिन्होंने अपने ग्रिप में लेने में दोनों हाथ को ऊपर करके और ऊपर सीधे अपने ऊपर वाला यानी कि भगवान को आराधना करते हुए छोड़ दिए उनके ऊपर की गई है सहारा को और उसी सहारे के स्वरूप गेंद जाके उनके हाथ में जाके ग्रिप हुआ और अपने टीम को निरापद स्थान पर पहुंचाए। कृषि के साथ ध्यान देगा सूचना के आमंत्रण करिछे तार अतिथि मानक तो चलो तो स्वागत करवा अतिथि मानक परंपरागत कार्यक्रम महा कार्यक्रम को अनुरोध करेंगे से भौणी मानक से आम मंच पाक आसवे जे भौणी मैंने जांच प्रदान कराते अनुरोध करेंगे मंच पाक आसवे ज्योत्सनाराणी महांत सबुज कलर जर्सी रही आज मुख्य अतिथि पत्नी पात्र साहु को उत्तरीय संबोधित करने अनुरोध करी आम कर्मकर्ता बंधु मानक अनुरोध करी जलेन्द्र सर एस्कॉर्ट करेंगे टे सूचना देवे आम अतिथि मान को परिचित कराइबे पत्नी पात्र साहु को फोटोग्राफी प्लीज धन्यवाद प्रेमानंद नायक आज मुख्य वक्ता महोदय को संबोधित करने अनुरोध करी आम अनुष्ठान कर्मकर्ता बांधवी मानी परंपरा आंठू मानी जोहार करने अतिथि मानक गोटे परंपरा ए अनुष्ठान तत्पर अनुरोध करी उत्तर संबोधित करने आशीष चक्रवर्ती जिला परिषद मेंबर जो नंबर 6 सार को अनुरोध करी संबोधित करने धन्यवाद तत्पर संबोधित करने अनुरोध करी सागरिका साहू जिला परिषद प्रेसिडेंट केन्दुझर मैडम को संबोधित करने अनुरोध करी आम अनुष्ठान कर्मकर्ता बांधवी मैंने किए ता रही बहुत बढ़िया तत्पर विजय कुमार साहू वाइस चेयरमैन हरिचंदन को महोदय को संबोधित करने अनुरोध करी समय सी अनन्य व्यक्ति विशेष अनन्य अधिकारी मान्यवर नारायण पूर्ति सार एसटीसी वाइस चेयरमैन सार को संबोधित करिवार समय समग्र भाग आसतु नारायण पूर्ति सार ताली हो तत्पर तत्पर समय आसी आज जो महान व्यक्तित्व को संबोधित करने लक्ष्मीधर किसान साहब को संबोधित करने अनुरोध करी आम कर्मकर्ता मैंने तत्परता प्रकाश करेंगे ताली हो पेड़ तुम मेन लोग
स्वतंत्र उन्नयन परिषद सदस्य नरोत्तम सार को नरोत्तम सार को संबोधित करने का अनुरोध करेंगे अनुष्ठानिक भाव एवं प्रेसिडेंट द्रोण नायक सर को संबोधित करने अनुरोध करी स्कोर लाइन कोड रही छोड़ा साफ ये जो मैच चलता हुआ एक एक गोल दोनों टीम के पास है इक्वल इक्वल की स्थिति में लेकिन अगला गोल यहाँ पर कोच की तलाश चलता हुआ लेकिन गेंद के साथ जाना पर महासंघ के पास गेंद है सुंदर मैं बारह नंबर के पास गेंद आते हुए मौका मिला लेकिन तो दिखाई सुंदर प्रयास और कहीं ना कहीं यह मैच ऐसे व्यक्ति थोड़ा ही कहीं ना कहीं यहाँ पर पेनल्टी की लेना चला रहा है जिस रफ्तार के साथ दोनों टीम की तो कोशिश है तमाम दर्शकों की जो उम्मीद है ये उम्मीद ना टूट जाए क्योंकि गोल देखना चाहते हैं तमाम दर्शक वो गोल की तलाश में यहाँ पे लेकिन यहाँ पर गेंद को होल्ड किया अभी पास करते हुए सिर्फ डिफेंडर के पास गेंद जो कि राघू ने एक नंबर के पहले गेंद में सुंदर तरीके से लेकिन जाता हुआ और पता था यहाँ पर शत्रुघ्न महतो की क्योंकि गेंद की चकराई अपने खिलाड़ी को प्रारंभ यहाँ पर पहुंचाना जरूरी है और इसी के साथ लेकिन गेंद पे गतिया होने का कारण सारू गेंद को निकाले थे यहाँ पर चतुर बोलने के लिए लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं अभी भी गेंद के साथ आंखें बढ़ता हुआ बिग पास किया मौका बनेगा गुरु के पास सीधे से आंखें बढ़ते हुए कप्तान को यहाँ पर बढ़ाता हुआ जसप्रीत मान के पास गेंद और आज ये टूर्नामेंट के अंतिम दिन है अंतिम पल यहाँ पर चलता हुआ आखिरी मोमेंट के यहाँ पर मैच चलते हुए और आप सब को मैं कहते थे स्वागत करते कमेटी बुद्ध प्रभाव की काम कहा करने से पड़े भाई प्रेम दान अब ये मैच की अगर देखा जरूर देखा जाए तो वो ये खेल के उनके साथ यहाँ पर चलता हुआ और यहाँ पे बेटा लाजवाब ट्रिपल हल्का सा बिग पास टीचर पास के साथ अंडर पास खेलने की कोशिश किया गया गेंद जाएगा धीरे से राजबारी के पास राजबारी ने आसानी से गेंद कॉल किया लंबा थ्रो लीग रेविस दुर्गा एफ सी चालीकार जीरो ने ये फाइनल टूर्नामेंट में पहला गोल तागा लेकिन पहला गोल तागने के बाद उस गोल को अंतिम समय तक लेक नहीं जा पाए थे और वो भी सेकेंड फर्स्ट हाफ में टीम कमबैक गिरा था एक नंबर थोड़ी गोल इसी के साथ थोड़ी का गोल और मैं चित्र कर रहा था कि सच्चा में ये टीम के पास किया था जो थ्रो होने के बाद जो मायूसी था वो मायूसी खत्म हो चुका है और इसी समय दर्शकों की जो हो हल्ला चार से करना शुरू हो चुका है ये मैच में मजबूत तरीके से इस मैच से देखते हुए तमाम दर्शक साथी पुलिस प्रशासन टीम सभी यहाँ पर इसे मैच से देखते हुए आज के दिन का आखिरी मैच और ये टूर्नामेंट का आखिरी मैच जो कि मां रंग पंडित राम सलाखों से कुछ समय बाद ये मैच का ये टूर्नामेंट का अंतिम दिन विदाई होगा मां रंग पंडित राम सलाखों से हमारे सबों से विदाई होगा अगले साल के लिए और इस साल के लिए हमें 364 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा वन ईयर तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा इसे खेल को देखने के लिए और इस प्रकार की जो टूर्नामेंट में इस सीजन बहुत कुछ हमें देखने को मिला ओपनिंग डे पर हर चंद्रपुर के ऐसे मैडम जी आई हुई थी वो ये टूर्नामेंट को खत्म किए थे और आज हमारे बीच काफी सारे अतिथियों की समावेश रहा है उन सभी अतिथि भवन को तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारा का पंडित क्लब सनफसी अभी तक हमारे देश से जो दर्शिकाएं जुड़े हुए हैं मैच को देख रहे हैं स्कोर क्या है एक एक उभय टीम बराबर हरियाणा गोट सभी अपने जर्सी प्रथमा पर एक गोल देख लिया टॉप पर सही हो एक गोल देख लिया पार्वती टीम ब्रदर इलेवन चारीगढ़ उभय टीम वर्तमान सुना समान पर स्थिति रहा छवि के ही कहा खाली पछल रहा थी बुढ़े कॉर्नर के चारीगढ़ ब्रदर इलेवन और खिलाड़ी कॉर्नर की नहीं छोटी लंबा सा पेनाल्टी एरिया पाटा पर क्या चले बोल सर
विशेष सूचना देवा पाई चाहिबे मां भौणी मानको एवं समस्त दर्शक बंधु मानको अनुरोध करिबे मैच सरीबा पोरे हम मुख्य मंच पाखक आसीबे एवं आज उद्यापन उत्सव अतिथि मानक मधुर पाणी पक्षेत से दिग्दर्शक कथा सहित आम पुनर्वार ये टूर्णामेंट उद्यापन उत्सव समारोह परिकल्पना करेंगे तेणु अनुरोध करी समस्त दर्शक मां भौणी एवं आमंत्रित टीम प्लेयर समस्त को अनुरोध करी मैच सर पर समस्ते पड़ियार ये मुख्य मंच पाखक आसीजे और सभी टीमों से निवेदन रहेगा जितने भी टीम है जो ये टूर्नामेंट में आप 8 प्राइस के हकदार में है उन सभी टीमों से निवेदन है आप सब चाहते हैं कि आप इस मुकाबला में 8 पुरस्कार रहा है और इस 8 पुरस्कारों में से जो जो भी हकदार में उन सबों से निवेदन है कि आप मैच समाप्त होने के बाद सबको हमारे मुख्य मंच की आंखें आ जाएंगे और अपने अपने प्राइस को लेकर जाएंगे क्योंकि हमारे पैसे अतिथि भी चाहेंगे क्या बहुत चल जाएंगे तो उनकी मधुर वाणी उनकी मधुर बातों को हम सुनेंगे अच्छे अच्छे बातों को हम सुनेंगे और उसके बाद वो प्राइज जो वितरण रहेगा वो होगी सुपर हेड यहाँ पर मौका मिला था के पास ये जाएगा मैच के साथ अभी भी एक्सर सुंदर प्लेस में यहाँ पर ये पुलिस क्या है मानसंग के पास मानसंग जो को होल्ड किया लंबी प्लेस में लेकिन वहां पर डिफेंडर तैनात है खिलाड़ी महेश पंकज मुक्तर महेश पंकिया ने तीनों पत्र निकाला है गेंद को सुंदर व्यतर नजर पत्थर के सिर से भूल करते हुए छोटी सी पास एक ख्याल के ऊपर ड्रिबल करने के बाद गेंद को नीचे है 14 नंबर क्योंकि सारू सारू के पास के जाते हुए सारू ने थ्रू बोल रहा है लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे क्योंकि रोक नहीं पाएंगे हल्का से यहाँ पर लोट किया गया था गेंद को लेकिन यहाँ पर कहते हुए कि आप स्विंग करें गेंद को आप स्विंग कराइए से यहाँ पर कहते हुए कृष्णा महान यानी कृष्णा भोगरा लेकिन उसे कुछ वादे और गेंद जा चुका है कोई वहां पर टिका निकल लग रहा है शायद ये 2000 अगर यहाँ पर बात की जाए जिस सीजन में हम आए थे पहली बार 2021 में और सॉरी 22 में ये टूर्नामेंट में किक फ्रॉम पेनल्टी के साथ ये टूर्नामेंट समाप्त हुआ था और फाइनल मैच में और कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड यहाँ पर धीरे से आगे बढ़ता हुआ और ये मैच भी धीरे से किक फ्रॉम पेनल्टी को बढ़ते हुए क्या वो 2022 का जो फाइनल मैच है निर्णायक नहीं हो पाया था खेल के दरमियान और किक फ्रॉम पेनल्टी के साथ निर्णय लिया गया था और उस सीजन एलबन ड्रैगन कतरा पाली की टीम चैंपियन बनी थी लेकिन इस सीजन कतरा पाली की टीम ने वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया और टीम क्वार्टर फाइनल से परिचय होकर के टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है इसी के साथ सुंदर भावना ऐतिहासिक प्रचार अंतिम मैच पराकाष्ठार फलाफल लिपिबद्ध होगा पूर्व उभय टीम मध्य चली चलचंचल गति फुटबल महासभा भाईचारा भाव समाज उठी जेंटलमैन गेम फेवरेट व्यक्ति से सब सिचुएशन खेलडा बहुत तरफ जर्सी नंबर 1 माफ कीजिएगा जर्सी नंबर 7 रिप्लेस हो रहे हैं पर एक परिवर्तन जर्सी नंबर 15 मैदान के अंदर आएंगे मैदान के खिलाड़ियों के बीच में थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाने के लिए समान गतिरा पृथ्वी पाई हरियागत के ऊपर गोटे खिलाड़ी को सब्टिट्यूशन करवा पर पुनर्वार बॉल को नहीं छुटिया छुटिया पाद समझित पाद उज्जरण सहित बढ़िया स्पर्श कराई आगे बढ़ी चलती टीम प्रधान 11-4 गोल जर्सी नंबर 14 बहुत सुंदर पास प्रस्तुत होती 4 गोल कथा